सूर्या कुंड है। हाँ जब दोनों चलना रह गया थे ना। हाँ सूबे पानी भी बढ़ के बह गया तो दिन का जंग जंग तोड़ रही थी वो तो जलता छिट्टा लाके फिर जाओ लक्ष्मी मंदिर। दुर्योधन इसमें दुबक के बैठ गया था और जब से भीम ने निकाला इस कुंड में छींटे लगा के आगे यात्रा को वो करना पड़ता है। कुंड की बहुत वो है प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर। दुर्योधन जी 3 दिन छुप कर बैठे थे यहाँ। दुर्योधन जी 3 दिन छुप कर ये जल में समाधि लेके बैठे थे कुंड में। कुंड में उसके बाद सामने मंदिर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएंगे दर्शन के लिए। इसलिए ये लक्ष्मी नारायण मंदिर देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है शक्तिपीठ मंदिर है ये कुरुक्षेत्र में ठीक है प्राचीन मंदिर है। श्री नारायण जी और वे वो लक्ष्मी जी इधर बजरंग बली हनुमान जी पूरे पंडित डिटेल से देख देते हैं आपको। ये जी यहाँ राजा शुरू हुए थे जिनके नाम थे कुरुक्षेत्र भट्टा तो इस सरोवर में नहाने से उनका कुष्ठ रोग सही हो गया। जब उनका कुष्ठ रोग सही हो गया उनका ऐसी पवित्र जगह है तो उन्होंने अपना राजपाट बच्चों को दे दिया और अपने आप यहाँ पे ये ऊँचा किला था क्योंकि चारों तरफ जंगल थे तो उन्होंने ऊँची जगह देख कर यहाँ पर सुरक्षित यहाँ तपस्या कर 400 साल तपस्या कर। उसके बाद उनके वंश में राजा हर्षवर्धन जिन्होंने बाद में जो है जब मालूम चला उन्हें कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ तपस्या करी ऐसी पवित्र जगह है तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी। ये है जी भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ पे पांचों पांडवों ने जल में विद्या प्राप्ति के लिए माँ भद्रकाली का पूजन किया और सोने का घोड़ा दान में दिया। जब युद्ध में विद्या प्राप्ति की तो भगवान श्री कृष्ण का मुंडन भी यही इसी स्थान पे हुआ। प्राचीन शक्तिपीठ है ये प्राचीन शक्तियों में शक्तिपीठ मंदिर है। गुफा बना दी है ये भद्रकाली मंदिर है। ये मन्नत के धागे बांधे जाते हैं यहाँ पे और ये जिसकी मन्नत हो गई वो घोड़े तो दे नहीं सकता ये घोड़े दान यहाँ रखे जाते हैं। ये देखो पूरे घोड़े रखे जाते हैं स्थानीश्वर महादेव मंदिर।
कुरुक्षेत्र। भगवान जी ने शिवलिंग की पूजा की थी। जगदम्बे माता संतोषी माता, जय संतोषी माता। गंगा माता, गायत्री माता। पति रावण ने महादेव की पूजा की थी। शिव जी बोले की पूजा की थी लंकापति रावण ने। महाभारत के टाइम सब जानते हैं। क्या है जी, यहाँ पे भीष्म पितामह को अर्जुन ने वाण मारा था, वाण गंगा। भीष्म पितामह पांडव मंदिर, ये जब महाभारत हुआ था ना माता जी, 18 दिन जब युद्ध चला था तो ये पूरा युद्ध नहीं देख पाए थे भीष्म पितामह जी। ये 10वां दिन घायल हो गए थे, सैया में लेट गए थे। 1 महीना 26 दिन रह गया था उत्तरायण लगने के लिए। अगर ये दक्षिणायन में पूरे होते तो वैकुंठ धाम नहीं पाते। ये तभी कष्ट दिया जब पहला दिन उत्तरायण का रह गया। 1 जनवरी से 30 जून तक रहता है, इसमें कोई भी कार्य करोगे उसमें सफल मिले, दक्षिणायन में गड़बड़ हो जाता है, उसमें भी नहीं लाभ होता। सब परिवार इनका इकट्ठा हुआ, किसी के हाथ से कुछ नहीं लिया क्योंकि गंगा पुत्र थे।
कौरों में नहीं, पांडवों में सिर्फ अर्जुन को तरफ हेरा और अर्जुन देखा कि हाँ ये कोई इशारा दिया, जल मांग रहे हैं। तो अर्जुन ने इसी कुंड को अभी देखा है, आप लोग आते में सामने कुंड है जहाँ पे अभी भीष्म पितामह एक रखे गए हैं, निवेदा से एक महीना हो गए। तो पूजन किया और बाढ़ मार्ग इनको जल पिलाया। उसके बाद इनकी माई गंगा अपने बेटे के पास इनका आशीर्वाद दिया। पांडवों को हस्तिनापुर, कृष्ण भगवान को बुलाया, मैं जीवन में कोई गलती नहीं किया, मेरे को दंड क्यों मिला है। बोले पिछले जन्म में जब आप राजा थे और शिकार के लिए निकले थे जंगल में, तब आपको सर्प मिला था, तुमने कांटों में डलवा दिया, तो जितने कांटा उसके लगे उतने कांटे का इसका मोक्ष होने का 1008 नाम वैष्णव शास्त्र को सुनाया गया, जैसे अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं अंतिम में। उससे इनकी मन की शांति मिली। ये मकर संक्रांत 14 जनवरी को पूरे हुए। उत्तरायण में कोई भी कार्य करोगे उत्तरायण में सफल होगा। 6 महीने ये सत्यपीठ ऐसे महाभारत में हुआ था, सेल में देखो कुछ। यहाँ पे अर्जुन ने तीर मारा था, ये देखो भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन। जय वीर बजरंगी। जय वीर बजरंगी। यहाँ कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये देखो ये पेड़ की बहुत मानता है यहाँ पे, कितने साल पुराना पेड़ है। ये शाखाएं देखो जमीन के अंदर फिर दोबारा से चली गई हैं ऊपर से। ये देखो ये शाखाएं, ये आओ चलो बताएंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो सर आज हम जिस जगह पे आए हैं, वास्तव में इस जगह का नाम है ज्योति सर, ज्योति मैंने प्रकाश, यानी के भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बन गया फिर ज्योति सर। अभी आपने दर्शन किए होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए। उन्होंने बैठ के इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक हैं सर उसके अंदर। आज जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आते हैं, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, भारत के किसी भी कोने से आते हैं, आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। तो बहन जी उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था, लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिस तरह कहते पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आती गई, वो परत दा परत बनता गया और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया, धीरे धीरे करके दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें अब वो दिखाई इधर में नहीं देता। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को गहराई से नीचे से खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलती है। उस जमाने में बताते कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ना कोई रास्ता था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया।
आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट के, जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को इधर में आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे संबंधी, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में फिर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये रूप अर्जुन मैंने किसी को नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखलाया। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका अक्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण भी करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवते वासुदेवाय। तो ये यहाँ का जानकारी है। तो सुनने के लिए और समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।